प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा है। सुबह उठने से लेकर के और रात तक जो बच्चों की एक एक चीज़ है, वो हर चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो इस चीज़ को हम कैसे डील करें, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके अगर आप ध्यान रखेंगे, उनको अगर आप अपना लेंगे, तो आपका और आपके बच्चे दोनों का जीवन शायद कुछ हद तक आसान हो सके। तो मेरे ख्याल से ये एक लिस्ट है जो कि हर बच्चे और हर इंसान के लिए सुबह से शाम तक जरूरी है। बच्चा उठा, टॉयलेट जाना है, दांत ब्रश करने हैं, दांत साफ करना, नहाना, ड्रेसिंग, सोना, खाना पीना, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप लोग को क्या करना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज़ है टॉयलेट। एक चीज़ होती है कि इन बच्चों में थोड़ा सा, कुछ बच्चों में इनकॉन्टिनेंस की भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या होती है। हम लोग तो बच्चे को आप जब ला रहे हैं प्लेटमेंट में, उसके पहले आप इन सब चीज़ों से जूझ चुके होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझने लगे, आप उसको टॉयलेट के लिए भेजना शुरू कर दीजिए। जैसे हर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है, इनकी हो सकता है थोड़ा लेट शुरू करें, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा समझने लगा है तो
बच्चे को इस तरह से आप बैठाएं कि उसके अगर टोन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में रहे, जिस पोजीशन में बच्चा अपने आप को खड़ा कर लेता है वो वाला पोजीशन उनके लिए ना रखें, उनको कंफर्टेबली अगर बैठाएंगे तो उनके टोन नॉर्मल रहे। आप कोशिश कर सकते हैं जैसे कि कुछ प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं या कुछ और कुर्सियाँ आती हैं, इस तरह से आप कुछ भी चेयर्स को आपने मान लीजिए नॉर्मल चेयर सब जगह मिलती है, इसको आपने बैठा दिया, अगर सिटिंग बैलेंस अच्छे से नहीं है तो आप पेट पर कुछ उसको एक पतला सा कपड़ा टाइप का ऐसा बांध सकते हैं कि उसका सिटिंग बैलेंस बन जाए, और अगर एकदम सिटिंग बैलेंस नहीं है तो कुछ रिक्लाइंड चेयर्स होती हैं इस टाइप की, आप इसमें कोशिश कर सकते हैं, इसमें बैठा करके बच्चे को इसमें आप नहला सकते। अब इसमें करना क्या है, एक तो डेली हाइजीन मेंटेन करना नहलाना, क्योंकि फिर इनकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज होती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये जरूरी है कि आप डेली इनको नहलाएं, अगर ये जाड़ा है तो उन्हें गर्म पानी से नहलाएं, तुरंत उनके कपड़े पहना के पोंछ करके, लेकिन नहलाना जरूरी है क्योंकि अगर एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि नहलाते समय आप बच्चे को ऐसा लगे कि कुछ ये हंसी मजाक का टाइम इंजॉय करे, यूजुअली बच्चे इंजॉय करते हैं नहाना, अगर आपने उसको खुद को भी आप इंजॉय कर रहे हैं उस तरीके से डील कर रहे हैं, और उस समय आप बहुत सारी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, अच्छा डालो ऊपर से डालो, ऊपर से पानी डालोगे तो उसको पता चला ये ऊपर है और इसको डालना कहना है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें उसको उस समय बात करते रहेंगे तो बच्चे को पता भी चलेगा कि मुझे बोलना भी सिखाया जा रहा है साथ में, उसके लिए वो केवल नहाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर बच्चा बिल्कुल बेड रिडन है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता है, आपको बिस्तर में भी करना है तो पहले आप कुछ उसको मैकिन टॉस रबर टाइप की चीज़ बिस्तर पर बिछा लें, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें, और उसके बाद सबसे पहले आपको चेहरा साफ करना है, फिर हाथ पैर करने हैं, फिर ड्रम्स करने हैं, और फिर कूल्हे या बटक वाला पोर्शन, पेरिनियम वाला जो पोर्शन है फिर उसको आपको साफ करना है, और बच्चे को अच्छे से पोंछ करके हटाने के पहले आप ये इंश्योर कर लें कि बच्चे के नीचे जो साबुन का टुकड़ा कोई सामान कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी, वो बताएगा नहीं, बस रोएगा, आपको लगेगा नहलाने से बोल रहा है, बच्चे के नीचे कुछ सामान है उसको चुभ रहा है, तो वो सारी चीज़ें अच्छा ध्यान रखें कि आपने हटा लिया है। इसके बाद है कपड़े उतारना बच्चे को सिखाना है, इस पूरे इसका पर्पस ये है, दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ कि आप कैसे आसानी से उन कामों को करा सकें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, दूसरी चीज़ सिर्फ प्लीज़ ये मत ध्यान रखें कि सब कुछ ज़िंदगी भर आपको कर देना है, पर्पस अल्टीमेट ये है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए जितनी भी बच्चे की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को उनको सिखाना है, उस पर उतना काम कराना है, आप उतनी ही हेल्प कर दें, उस पॉइंट पर हेल्प कर दें कि अब बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप रहिए सामने, लेकिन उसको जितना वो मैक्सिमम कर सकता है कर ले दीजिए, सबसे आसान होता है मोजे उतारना, तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, बेटा मोजे उतारा वो करने लगेगा कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद है पजामे निकालना, फिर उसके बाद आप ऊपर वाले कपड़े, तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं, और इस समय भी आप उसको जो एक स्पेस का ओरिएंटेशन है, दिशा का ध्यान है, अंदर बाहर बाहर निकालो हाथ तो वो उसको बाहर समझ में आएगा, अंदर लेकर जाओ बच्चे को ये भी समझ में आएगा साथ में कि क्या ओरिएंटेशन है, क्या डायरेक्शन है, क्या दिशा है इसकी, क्या मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप उसको दैनिक क्रिया कलाप करा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके साथ साथ उसको कितना मैक्सिमम सिखा सकते हैं। फिर एक कपड़े पहनना, अब कपड़े पहनना थोड़ा सा इसके बाद मुश्किल काम एक आ जाता है, आपको बच्चे को ठीक से उसका पोजीशनिंग जरूरी है।
रिक्वायरमेंट और जरूरत उसके हिसाब से पोजीशन करें बच्चे को। आपको मालूम होना चाहिए कि वो टीवी और मोबाइल फोन या लैपटॉप इन सबों की जो ब्लू लाइट होती है ये हमारे दिमाग को एक्साइट करती है। ये किसी को भी रात में सोते समय वैसे भी नहीं यूज करना चाहिए। अगर बच्चे को सोने में प्रॉब्लम है एक घंटे पहले आप प्लीज ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें, उसको कुछ भी ना दिखाएं, क्योंकि उसकी ब्लू लाइट उसके दिमाग को काफ़ी देर तक एक्साइट करके रखेगी और सोने नहीं देगी। दूसरी चीज, सोने में पहले बच्चा अगर उछल रहा है कूद रहा है कुछ और डांस हो रहा है या कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि बच्चा अपनी उसकी मसल्स को कड़ा कर ले रहा है या कुछ इस तरह का कर रहा है तो उसके दिमाग को शांत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी कैफीनेटेड चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट है, भले कॉफ़ी बच्चे बहुत कम पीते हो कुछ बच्चे लेते भी होंगे, या चॉकलेट बहुत कॉमन है इनमें भी कैफीन होता है। इसके अलावा जो बहुत मीठी चीज़ें होती हैं अगर आप सोने के पहले ये चीज़ें दे रहे हैं दिमाग को ये एनर्जाइज कर देती है, एक्साइट कर देती है, बच्चा शांत नहीं हो पाता तो सोने के कुछ देर पहले आधा एक घंटे पहले ये सब चीज़ें भी नहीं देनी है। और आधे घंटे पहले आपको लिक्विड्स जो भी देना है आधे घंटे के पहले दूध देना वो सब करना सब आधे घंटे पहले वो काम खत्म कर लीजिए। सोने के पहले उसको टॉयलेट करा दीजिए और उसको कुछ कंफर्टेबल कॉटन कपड़े ढीले कपड़े पहना करके और आपने म्यूजिक मतलब लाइट बंद कर दी, आपने शोर कम कर दिया और फिर आपने उसको सुलाया तो डेफिनेटली ज़्यादातर बच्चे इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है कुछ दिन लगे हैबिट बनाने में लेकिन धीरे धीरे जब आप हर दिन एक ही समय में कर रहे हैं तो फिर वो बच्चा सोने लगेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हर जना ये देख सकता है कि मैं कहाँ पर मेरे से गलती हो रही है उस चीज़ को मैं ठीक करूँ। न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें क्या होता है कि कुछ ये चीज़ें हैं कि बच्चे की जीभ नहीं चलना, मुंह का जो ओरल कोऑर्डिनेशन है वो कम होना, खाना गिर जाता है, सेंसिटिविटी बहुत कम या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें इसमें डॉक्टर गुलाब सिंह ने करी है कवर, उसको हम कोशिश करेंगे कि छोड़ दें, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ यही जो फिर मैं कहूँगी कि जब भी बच्चा अपने आप करना शुरू कर दे, अगर कुछ उठा करके मुंह तक ला सकता है, अगर उसका हैंड फंक्शन इतना है तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो अपने आप करे। उसको आप कुछ भी फीडिंग एप्रोन पहना दीजिए, कोई चीज़ कपड़ा पहना दीजिए, टॉवल बांध दीजिए, गिरने दीजिए खाना, लेकिन उसको अपने आप करने दीजिए। जिंदगी भर आप नहीं खिलाएंगे तो उसको ये करके आप शुरुआत में सीपी चेयर पाउडर चेयर इसका यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि बच्चा अपना बैलेंस बनाकर बैठ जाए, उसके सामने आप कोई चीज़ रख दें और फिर उसको कहें कि अपने आप उठा के खिलाए। कभी भी आपको लिटा कर नहीं खिलाना है, बच्चे का सर नीचा नहीं करना है। इसकी वजह से कई बार बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, जो खाना है वो अंदर नहीं गया, इनकी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें गति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपने लिटा के या वैसे करके खिलाया या दूध पिलाया पानी पिलाया कोई भी चीज़ करी और वो बाहर आया और आने के बाद वापस नली में ना जाकर फेफड़े में चला गया जिसको हम कहते हैं कि एस्परेट कर गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, बच्चे की जान पर भी आ सकता है। तो प्लीज़ ये बहुत स्ट्रिक्टली है कि कभी भी बच्चे को लेटी हुई पोजीशन पर ना खिलाया जाए। थोड़ा सा अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ सकता है तो नीचे कुछ लगा दें, सर उसका थोड़ा सा उठा दें, तभी उसको खिलाया पिलाएं। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों में हो सकती है, जरा सा आपने कुछ खिलाया तो बच्चा एकदम से चौंक जाता है या फेंकने लगता है। अगर आपका बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उस बच्चे में बहुत ठंडा या बहुत गर्म बिल्कुल मत दें। आइसक्रीम है कोल्ड ड्रिंक आप सोच रहे हैं कि वो ठंडा करेगा या बहुत गर्म खाना है, नहीं, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर का खाना दीजिए और बहुत ज़्यादा खाने का टेक्सचर चेंज नहीं करना है। नॉर्मल जो सेमी सॉलिड या जिस तरह का भी वो खा पा रहा है बच्चा उसको दें और धीमे धीमे उसमें चेंज लाएं। जब एक चीज़ को टॉलरेट करने लगे तब दूसरी चीज़ दें। और अगर बच्चे की सेंसिटिविटी बहुत कम है तो आपको ठीक इसका उल्टा करना है, आप बदल बदल के कभी ठंडा दें कभी गर्म, लेकिन इतना ना हो बच्चे बर्दाश्त कर सकते उसके हिसाब से। और आप खाने का टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं, कभी आपने बिल्कुल प्लेन दिया, कभी कोई ऐसी चीज़ दी जो खुरदुरा है, कभी आपने सॉलिड दिया, इस तरह की चीज़ें दी। एक जो इनके पोषण की और जो समस्याएं आती हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार ये बीमार पड़ते हैं, कभी इनको डायरिया होता है, कभी इनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है,
कभी खाना उलटने लगते हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक फीडिंग और मतलब खाना और निकलने और उबलने की समस्याएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी एक चीज़ क्या है कि इन बच्चों का वजन, क्योंकि इनको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, अगर इनका वजन बढ़ गया तो वो और प्रॉब्लम होगी चलने में, क्योंकि वो अपना वजन कैरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे अंडर नरिश्ड ना हो, अगर कुपोषित हो गए तो भी प्रॉब्लम होगी, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको इनका जो पोषण है, इनका जो न्यूट्रिशन है, बहुत ही ध्यान से करना है। उसके लिए जो हम कहते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का गोल्डन रूल ये है कि आपको हर तरह की चीज़ देनी है, फल देना है, सब्जियाँ देनी है, दाल देनी है, रोटी सब्जी देनी है, जो नॉनवेज खाते हैं थोड़ा प्रोटीनिशियस चीज़ें जैसे एग है या फिश है ये दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्राओं में हर चीज़ आपके बच्चे की प्लेट में हर कलर की चीज़ें हो। कहते हैं ये एक अच्छा तरीका है समझने का कि बैलेंस डाइट है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इन बच्चों में हम लोग ने ज़्यादा भी देखा है 90%, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल हैं, आप अंदर रखना चाहते हैं, इनमें वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और वो जो कि हमको धूप से मिलता है, हम कितना भी उगाएं, विटामिन डी जो लेटेस्ट रिसर्चेस है केवल हड्डियों को ही मजबूत नहीं करता, इसके अलावा इम्यूनिटी में, रोगों से लड़ने की क्षमता में बहुत बड़ा रोल है विटामिन डी का। तो प्लीज़ गर्मियों में सुबह शाम जाए, दोपहर में जब भी एक सहने वाली धूप हो, बच्चे को 15 मिनट से आधा घंटा डेली धूप में लेकर जरूर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। जितना हो सके आप बच्चे को, आप देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ने फील किया होगा जब बच्चा बैठा रहता था, बार बार बीमार पड़ता था, जैसे ही थोड़ा थोड़ा चलने लगा वैसे उसका बीमार पड़ने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई। तो जितना हो सके, जितनी बच्चे की कैपेसिटी है उसको चलाने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को पकड़ करके जैसे भी। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं और बच्चे का ट्रीटमेंट कराएं, बैठे नहीं रहना है। कि हम सीपी से ज़्यादा इन सारी चीज़ों से बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं, अगर आप इनको डील कर लेंगे तो बच्चे की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होगी, फिर वो बाकी जो उसकी मूवमेंट की प्रॉब्लम है उसमें आप पूरा का पूरा अपना दिमाग लगा पाएंगे। अब इनमें से एक एक चीज़ों को हम अगर लेकर चलें, जैसे खिलाने पे, खाने पीने और निकलने की समस्या, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो इसमें जो जीभ की मूवमेंट को भी आपको देखना है, सबसे पहले बच्चा लिक्विड खाना सीखता है,
ठीक नहीं हो जाती है। अगर उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो ये भी एक कारण बन सकता है खाना रटने का। तो उसके लिए जैसे बताया गया है उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। कई बार होता है आपने खाना खिलाया, खिलाते खिलाते खिलाने के बाद बच्चे ने यूरिन पास कर दिया, तो आप लोग वैसे ही लेटे लेटे जल्दी से उसकी नैपी चेंज कर दी, उस समय भी कोशिश करें उस बच्चे को करवट दिला दे, और हो सके तो बाई करवट दिला करके उस कंडीशन में आप उसकी नैपी बदल लें, तो इस बात के चांसेस कम रहेंगे कि वो खाना उनपे बाई करवट लिटा करके कोशिश करिए, तभी बच्चे की नैपी चेंज कर लें, खास करके खाना खाने के तुरंत बाद। तो ये चीज़ों का प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो हो गया खाना, उसके जो दैनिक क्रियाकलाप है, आपको जहाँ आप रह रहे हैं उस घर में एटलीस्ट बच्चे के कायदे से तो पूरे समाज में इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा समाज इतना आधुनिक नहीं हुआ है कि इस तरह डिसेबल फ्रेंडली हो, कोशिश जारी है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारा घर तो अपना है उसमें तो आप कर सकते हैं। तो फर्श जो है खासकर बाथरूम का फर्श चिकना नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टाइल्स आती हैं जो कि चिकनी नहीं होती, थोड़ा सा रफ टाइल्स होती है जिसपे कि गिरने के चांसेस ना हो। जहाँ जहाँ बच्चे को जाना है, जिस कमरे में रहना है, जिस टॉयलेट पे है, जिस गैलरी में जाना है, आप वहाँ वहाँ सब जगह बच्चे की हाइट के हिसाब से रेलिंग लगवा दें ताकि उसको पकड़ करके बच्चा जा सके। जो टॉयलेट है वेस्टर्न स्टाइल के यूज़ करें, क्योंकि इन बच्चों को नीचे बैठने में दिक्कत होती है, कि अगर आप नहीं लगवा सकते हैं या नहीं है किसी केस में, तो आप कुर्सी लेके उसको उस तरीके के बीच में कटवा करके जो टॉयलेट है उसी के ऊपर उसको रख दें और फिर उस पर बैठा के बच्चे को कराएं। लेकिन बच्चे को आपको टॉयलेट में ले जा करके कराना सिखाना है, और मतलब जिसको कहते हैं कि बीच में बाधा रहे स्थान, मतलब बीच बीच में सामान ना हो, जहाँ बच्चा चलता है वॉकर लेके चल रहा है, स्टिक लेके चल रहा है, जिस जिस जहाँ पे बच्चे को जाना है, फर्नीचर है, कोई आप ऐसे रखें कि वो स्मूथली चल पाए, वहाँ से बच्चे अपने घर की सेटिंग चेंज कर दीजिए, अपने घर की सेटिंग बच्चे के हिसाब से रखिए ताकि बच्चे को चलने में आने जाने में आसानी रहे, कि तो वो कोशिश करेगा, नहीं तो पहले से टेंशन रहेगा अगर मैं वहाँ जाऊँगा ये सामान मिल गया कैसे जाऊँगा, छोड़ नहीं जाते हैं रोना चिल्लाना शुरू। तो आपको अपने घर की सेटिंग चेंज करनी है। इसके अलावा जो बच्चे असिस्टिव डिवाइसेस ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं तो उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको साफ रखना है, सूखा रखना है, और प्लीज़ कभी भी शर्म मत करिए कि बच्चा हमारा इससे चल रहा है, उसको जहाँ जाते हैं अपने असिस्टिव डिवाइसेस लेकर जाइए और उससे चलाइए, खूब चलाइए, लेकिन लेकर जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। हम आप चश्मा बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हियरिंग एड लगा रहे हैं, वो बच्चा उसको यूज़ कर रहा है, जब आप तक लेकर निकलेंगे तभी इस समाज को भी आदत पड़ेगी कि नहीं ये भी हमारा हिस्सा है, लेकिन उसको यूज़ करिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए बच्चे को, हर जगह गोद में मत उठा के ले जाइए, जितना बच्चा कोशिश कर सके उतना कर पाइए, अपने जो भी ऑर्थोपेडिक है उनको रिपेयरिंग आप चेक करते रहिए, जैसे ही बढ़ रहा हो तुरंत उसको रिपेयरिंग कराइए। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, या उसकी क्षमताएं बढ़ रही हैं या बदल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्थोपेडिक को चेंज करना है, बड़े साइज का लेना है, या एज से अब वॉकर से स्टिक पर जाना है, या जिसपे भी जो भी यूज करना है वो बच्चा उस पर आप जाइए उसको चेंज करिए बराबर, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसके बाद है लास्टली दवाइयाँ, दवाइयाँ जो भी जरूरी है ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि सीटी का कोई क्योर सेरेब्रल पाल्सी, हम ब्रेन डैमेज को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए कि दवाई देने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे कॉमन है जैसे झटके या एपिलेप्सी, या मान लीजिए कि खांसी सर्दी हो रही, कोई भी और है, तो वो दवाइयाँ बच्चे को बराबर देनी है जो भी जरूरत है। अपने डॉक्टर से आप सलाह करिए, एक पीडियाट्रिशियन के संपर्क में हमेशा रहिए, जो कि आपको ये आपको रेगुलरली मालूम रहे कि ये जरूरत पड़ सकती है। कुछ जो बहुत जरूरी दवाइयाँ हैं डॉक्टर से पूछ के अपने पास रखिए ताकि कभी रात में जरूरत पड़े तो आप बच्चे को दे सकें। और फर्स्ट एड का सामान, क्योंकि बच्चे गिरते पड़ते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान अपने पास हमेशा रहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए। प्लीज़ इनकी कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो इग्नोर मत करिए, नहीं तो इसकी वजह से कई बार
सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और जे जैन 999 को सब्सक्राइब करें।